हम लोग अखड़े हैं मुकुंदपुर जू के सामने, तो आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो व्हाइट टाइगर है, बेसिकली यहाँ से एक करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर संजय टाइगर रिजर्व है, और वहाँ पे एक मोहन रेंज नाम से एक रेंज है, जहाँ पर 1951 में राजा मार्तन सिंह को एक व्हाइट टाइगर का कब मिला था, जिनको उनको कैप्चर करके यहाँ पास ही में गोविंदगढ़ है उस किले पे रखा था, और लिटर और उस बाघ की एक फीमेल बाघ के साथ उसकी ब्रीडिंग करवाई गई, तो जिससे क्या हुआ कि और भी व्हाइट टाइगर्स बच्चे हुए, करीब उनकी संतानें हुई, 21 बार ऐसे हुआ कि व्हाइट टाइगर हुए। तो आज दुनिया में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं वो इसी रीजन से गए हैं, इसलिए इस विंध्य प्रदेश को या रीवा को या विंध्याचल को एक व्हाइट टाइगर की दुनिया धरती भी कहा जाता है। तो उसी चीज़ को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर एक, चूँकि एक काफ़ी बड़ा रीजन है, जैसे बनारस के पास है प्रयागराज, बनारस और मान लीजिए रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, तो यहाँ पर सीधी और सिंगरौली, सीधी और शहडोल क्षेत्र में संजय टाइगर रिजर्व है, फिर पास ही उमरिया है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, अगर हम लोग पन्ना सतना के आगे जाए तो वहाँ पर एक पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो 3-4 टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ कई बार क्या होता है, जो एनिमल घायल हो जाते हैं या रेस्क्यू करना पड़ता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर एक लाया जाता है, उनको भी रखा जाता है साथ साथ, ताकि नई जनरेशन को और लोगों को स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के बारे में जागरूक किया जा सके, उसके लिए जू की स्थापना की गई। तो चलिए आपको जू दिखाता हूँ मैं, और ये करीब रीवा से 15 किलोमीटर की दूरी पर, सतना से 55, और जो अपना मार्ग NH-39, जो मान लीजिए आपका झांसी से शुरू होकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, फिर सीधी सिंगरौली होते हुए रांची जाता है, तो उसी हाईवे पे है, और जहाँ पे हम रहते हैं कैंप बनास, वहाँ से भी करीब ये 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, स्थित है। तो आइए आपको फिर रेट चार्ट के बारे में बता देता हूँ। तो गेट के सामने यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर जो जो पैसे लगते हैं, शुल्क लगते हैं, एंट्री चार्जेस के बारे में लिखा हुआ। तो जो पैदल है, अगर आपको यहाँ पे पैदल घूमना है, सारे बाड़े देखने हैं, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आपको साइकिल लेके घूमना है तो 30 रुपये प्रति साइकिल है, और यहाँ पर एक का क्या है, गोल्फ कार्ट वाली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, और उसके लिए मान लीजिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। फिर यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर, एक थोड़ा सा इंक्लोजर बनाया गया है बड़ा बड़ा बाड़े में, उसमें टाइगर को, व्हाइट टाइगर खुले में छोड़ा जाता है और बस के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, तो उसको व्हाइट टाइगर सफारी बोलते हैं। तो उसके लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क लगता है। तो चाहिए टिकट खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, लिया ये टिकट है, तो 20 रुपये पैदल और सफारी का 50 रुपये करके 250, ऐसे 350 रुपये हमें लगे। आइए चलते हैं। देखो देखो, साइकिल भी देते हो क्या? साइकिल बंद, क्यों खराब हो गई? आते ही सुंदर फूलों का बगीचा दिख गया हमें। तो जैसे हम लोग गेट के अंदर घुसते हैं, तभी हमें एक पानी, एक आर्टिफिशियल झरना और एक सेल्फी पॉइंट दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, एक व्हाइट टाइगर का बच्चा और दो व्हाइट टाइगर के एक मॉडल बनाए गए हैं, तो वहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा था फूल पत्ती तोड़ना भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सफारी जाने के लिए दो तरह के मोड हैं, या तो आप पैदल जा सकते हो, बाड़ों को देख सकते हो, और दूसरा एक सफारी जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है उसके थ्रू जा सकते हो, तो उसका चार्ज होता है 50 रुपये, आपको पहली बार बताया था, पैसे बैठ के उसमें जाने का। लेकिन आज हमने मोड चूज़ किया है ताकि थोड़ा आराम से घूमेंगे, पैदल वाला मोड। नॉर्मली जब छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, लेकिन आप लोग अगर यंग है तो ज़रूर पैदल देखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रुकेगा चलेगा तो आप आराम से देख पाओगे, तो थोड़ा बड़ा एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बोर्ड तो पहले यहाँ पर हम लोग मूव कर रहे हैं, और रास्ते में देखिए 2-3 तरह के साइन बोर्ड जो बताए हैं, जब भी यहाँ पे आते हैं तो जानवरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए उस बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना ना खिलाएं, उन्हें पर्याप्त खाना दिया जाता है। तो आप पैकेट लाते हैं चिप्स विप्स या पैकेट करके, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग खाना कभी जानवरों को, जंगली जानवरों को अपनी तरफ से खाना ना दें। दूसरा क्या है कि बैरिकेड के पार ना करें, जानवरों के पास ना जाएं, उन्हें तंग ना करें। आप जैसे जानवर हमेशा शांति से देखें, लोग चिल्लाने लगते हैं, चीज़ें करने लगते हैं, उनको पास परेशानी होता है, क्योंकि जंगली जानवर काफ़ी शर्मीले होते हैं और इंसानों के पास आना पसंद नहीं करते,
अभी उनका मजबूरी है कि उनको ऐसे रखा गया है, बट और नॉर्मली जंगल में फ्री घूमना पसंद करते हैं, तो आप चिल्लाएं, उनका सम्मान बरकरार रखें। और हमारे इसके बगल में ही है रॉयल बंगाल टाइगर का इनक्लोजर बाड़ा, यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे बहुत सुंदर लोगों ने बोर्ड बनाए हैं जिसमें बाहर जानकारी लिखी है, तो जैसे लिखा हुआ है रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो अपना बाघ है, फैमिली भी वो है, पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। और इसका क्या होता है कि बताया गया है कि कितना ऊंचा होता है, उसका ऊंचाई कंधे तक करीब 75 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो उसके कहने का मतलब करीब इतना ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि एक इंसान अगर खड़ा होगा उसके बगल में बाघ खड़ा होगा तो कितना ऊंचा आएगा, ठीक है ना, तो वो भी एक बढ़िया सा यहाँ दिखाया हुआ है। और कहाँ मिलते हैं ये लोग, तो क्या लिखा हुआ है कि ये संपूर्ण भारत में राजस्थान के रेगिस्तान, हरियाणा, पंजाब, कच्छ एवं सिंध क्षेत्र को छोड़कर ये ज़्यादातर बाघ मिलते हैं। और कहाँ रहते हैं ये लोग, सदाबहार वर्षा वन, शुष्क खुले वन क्षेत्र, तराई और दलदली क्षेत्र और सुंदर वन। तो इनके बारे में तीन चार तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे पास जो जानवर हैं, जैसे जिस क्षेत्र है ये जो रीवा या सिंगरौली, तो यहाँ पे दो तीन तरह के जंगल यहाँ भी है। शुष्क का जंगल भी है जो 6 महीने हरे 6 महीने सूखे रहते हैं, जैसे पन्ना का जो जंगल है, जो पहाड़ी है, तो वो एकदम शुष्क वाला है। बाकी अपने यहाँ जैसे बांधवगढ़ और हैं, तो ये जो नॉर्मली इसमें साल के पेड़ हैं तो साल भर हरे रहते हैं। वर्षा वन जो अपना जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, वर्षा वन एकदम उसमें साल भर बारिश होता है, नमी रहता है, हरे रहते हैं, तो उनको वर्षा वन बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और सुंदर वन जो अपना एरिया जहाँ पर गंगा और गंगा सागर मिलती है समुद्र से, तो वहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म होता है, और वहाँ पर एकदम दलदली जैसा इलाका रहता है, मैनग्रोव के जंगल होते हैं वो भी एक तरह का है। और तराई के जंगल उसको बोलते हैं जो हिमालय से नीचे का जो एरिया है अपना, तो वो भी काफ़ी साल भर हरे रहते हैं, तो उसको तराई के जंगल बोलते हैं, तो उसी बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। जंगल में इनका मुख्य आहार क्या है, हिरण, जंगली सुअर, सिंह आदि। और इसमें जो नीचे है IUCN एक लिस्ट होती है कि किस जानवर का क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, तो यहाँ पर वो इंडिकेट किया गया है कि लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड। तो मान लीजिए अगर इस स्थिति पे आ गई, तो जैसे हमारे चीता होते हैं तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जंगल में ख़त्म हो गया था, अभी कुछ जानवर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर इंडेंजर्ड है, तो बाघों में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, तो अभी लुप्त होने से बचा के लिस्ट कंसर्न में इनको डाल दिया गया है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम अंदर जा रहे हैं बाड़े में, सुंदर सा सजावट किया है लोगों ने, और निकलते ही हम एक जिस बाहर आ गए, ओ हो, बस बाघ सामने ही बैठा हुआ है, वो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे टेडी बियर पड़ा हुआ है, दिख रहा है रॉयल बंगाल टाइगर एकदम सुंदर सा बैठा हुआ है अपना। हम देखते हैं अभी इसको बाड़े में, वो बैठा हुआ है उधर, चलो आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। तो वहाँ पे बैठा हुआ है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो शायद इस कैमरे में ना दिखे, दूसरे कैमरे से अपन देखेंगे। तो गर्मियों में ज़्यादातर बिल्लियाँ जो होती हैं, बाघ क्या है, बिल्ली प्रजाति का जानवर है, जैसे बिल्ली का, इसीलिए बिल्ली को इसको मौसी भी बोलते हैं। तो बिल्ली प्रजाति में जैसे तेंदुआ, बाघ या जो शेर होते हैं, इसी बिल्ली प्रजाति के हैं। तो बिल्लियाँ क्या करती हैं, दिन में ज़्यादातर समय करीब 16 घंटे सोना पसंद करती हैं, और इसके लिए हमने यहाँ पर बाघ को ठीक से निहारने के लिए अपने पास दूरबीन है, तो ऐसे देखते हुए हमारे गरिमा और सुनैना, ठीक है। चलिए वो देखिए, हाँ देख रहा है कितना सुंदर है। ओके, सो हम लोग अभी दूसरे बाड़े में आ गए हैं। अब ये यही यहाँ का खासियत है जो वाइट टाइगर है, तो वाइट टाइगर का बाड़ा है, और बेसिकली यहाँ भी उसको वाइट टाइगर की जानकारी दी गई है, 180 से 200 किलो। और तो ये क्या है कि अभी वाइट टाइगर वाइट क्यों है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कई बार आपने इंसानों को भी देखा होगा, एक तरह का जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, बीमारी होता है, और उस बीमारी की वजह से कई बार क्या होते हैं जानवर या पक्षी या कई बार वाइट हो जाते हैं, जैसे इंसान भी आपने देखा ना कई बार सफ़ेद सफ़ेद जैसा उनका बॉडी हो जाता है, तो ये भी उसी तरह की बीमारी से ग्रसित है। कुछ रेयर होता है, हज़ारों या लाखों में से एक किसी को ऐसा होता है, तो वही जेनेटिकल डिसऑर्डर था एक में, तो ये वाइट एक खासियत बन गई। और इनकी आंखें नीली होती हैं वाइट टाइगर्स की, और जो बहुत सुंदर दिखते थे, जो मोहन था अपनी आँखों के लिए बहुत फेमस था, जो पहला वाइट टाइगर जो मिला था जिसका नाम मोहन रखा गया था, तो वो अपनी नीली आँखों का एकदम जादू फेरता था, तो उसको कई बार जब विदेशों में भेजा गया, चीज़ें करी गई, तब उसको बड़े बड़े वहाँ के जो प्रधानमंत्री वगैरह रिसीव करने आते थे, तो इतना खास है वाइट टाइगर, और यहाँ की पहचान इस वाइट टाइगर से। तो आइए हम देखेंगे वाइट टाइगर, कौन आ जाओ।
तो व्हाइट टाइगर हैं बेसिकली, वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि जो धारियाँ होती हैं येलो स्ट्राइप जो येलो टाइगर के होती है, तो वो उसको जंगल में छुपने में मदद करती है, और जंगल में छुपे रहना ही उसके सर्वाइवल का सबसे बड़ा हिस्ट है। तो शिकार जैसे व्हाइट होगा तो दूर से शिकार मतलब हिरन वगैरह को दिख जाएगी, शिकार करने में उसको दिक्कत होगी, तो इसलिए उनको वाइल्ड में रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि कैप्टिविटी में ही रखा गया कि उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा जो बाघ है ना, बाघ इसमें बहुत ताकत वाला एनिमल होता है, करीब 8 मीटर तक की छलांग मतलब जंप कर सकता है। इसके पीछे के पैर थोड़ा सा छोटे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं और आगे के छोटे होते हैं। दूसरा इसमें क्या है, इसका जो फोर्स होता है पंजे का ही फोर्स इतना बड़ा होता है कि अगर वो एक हाथ मारे तो करीब 150 किलो का वजन एक फोर्स में मारता है। तो ऐसे मारिए कि किसी आपने 150 किलो का पत्थर आपके शरीर पे दे मारा, तो कई बार बड़े जानवर भी जब उस पंजा मारता है अपना तो बड़े जानवर, बड़े से बड़ा जानवर भी ज़मीन में गिर जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें ताकत होता है। दूसरा ये है कि इनका जो जीभ होती है, बिल्ली प्रजाति आने की वजह से उसमें बड़ी सारे कांटेदार जीभ होती है, तो उसको जब कई बार शिकार करने के बाद मांस को चाटता तो एकदम उधेड़ लेता है। तो ये है व्हाइट टाइगर। तो अगला जो बाड़ा है ये है बब्बर शेर या सिंह, जिसके ये भी बिल्ली प्रजाति का है, काफ़ी बड़ा, और ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक शेर एक झुंड को लीड करता है, बाकी फीमेल होती हैं। और बुद्धपुर में ये जो है ना, तो बेसिकली ये भी इनकी संख्या भी एक समय 19 से तक आती आती है। जूनागढ़ जो गुजरात है ना, गुजरात के वहाँ पे एक शासनगिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे अभी कुछ बचे हुए हैं इंडिया में, एशियाटिक लाइन की आखिरी बची हुई प्रजाति मान लीजिए, तो इसे भारत में केवल एक ही जगह है और बाकी जू में वगैरह में उपलब्ध है। तो बब्बर शेर अगर आपको देखना है तो आपको जूनागढ़ गुजरात जाना पड़ेगा, और इसीलिए वहाँ के टूरिज़्म के लोगों में, जैसे MP को एक टाइगर स्टेट बोला जाता है, तो जो गुजरात का जो जानवर है राजकीय मान लीजिए, तो वो बब्बर शेर है। तो ये भी बिल्ली प्रजाति से आता है और झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनको वही मुखार, हिरण, जंगली सुअर, गौर आदि हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्राचीन काल में समस्त उत्तम मध्य भारत में, मतलब बीच नर्मदा के उत्तरी किनारे में पाए जाते थे, मतलब MP में भी थे, अब सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में जैसे चीतों को वापस लाया गया, इन शेरों को भी मध्य प्रदेश के जंगलों में शायद बसाया जाए तो हमें देखने को मिले। अभी तो केवल जू में अपन देख पा रहे हैं, या फिर गुजरात जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं बब्बर शेर से मिलने। ओहो, तो सिंह एकदम हमारे सामने। बेसिकली जो शेर होते हैं या जो एनिमल होते हैं, इनकी बीट में जैसे जंगल में पता लगाना है कि किसी जंगली मतलब मांसाहारी जानवर का है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बीट में देखते हैं कि बाल का कंटेंट कितना ज़्यादा है। तो जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें जो जानवरों के बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एकदम शेर हमारे सामने से गुजरता हुआ एकदम मस्तानी चाल चलते हुए। तो जंगल में इनके पग मार्क से और इनकी बीट से पता लगाया जाता है उपस्थिति का, तो इनके पंजों के निशान को पग मार्क बोलते हैं। तो देखिए वहाँ पर अभी वो मार्किंग करने वाला है हमारा, और ये कई बार क्या है जो पेड़ों पे पंजों से खरोच भी मारते हैं अपने मार्किंग के लिए, बाघ भी करता है, बिल्लियाँ भी करती हैं, जिससे उसे एरिया लॉक हो जाए। तो एकदम सामने हमारे सिंह, वाह, और लोग एकदम बहुत ही उत्साहित अपने अपने कैमरे निकाल के फोटो लेते हुए, और हमारे टीम की गरिमा भी देख रही है। हम जूम आउट करते हैं, एकदम मोबाइल पे फुटेज आ रहा है हमारे सिंह का, कुबेर भाई ले रहे हैं, और एकदम सामने सिंह, ये देखिए या सिंह। तो एक बहुत भीड़ जमा हो गई है क्योंकि सिंह अपने प्रदर्शन कर रहा है, अपने आप को दिखाने आया है लोगों से मिलने, और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही उत्साह है, मज़ा आ रहा है देख के। कहाँ से आए हो? सिंह जो है इसी को जंगल का राजा बोला गया है। बेसिकली मोटिविटी क्या होता है कि राजा क्या होता है, किसी एक ग्रुप को लीड करता है। तो शेर है उनके एक मेल होता है और बाकी डोमिनेटिंग मतलब काफ़ी सारी फीमेल होती हैं कुनबे में। दूसरा जो मेल होता है उसके गले में काफ़ी सारे बाल होते हैं, तो ये बाल क्या करते हैं, हर चीज़ का मतलब जो भी जानवर है कोई ना कोई बिना भी कोई भी चीज़ उपयोगी नहीं, जैसे कई बार हमारे पूछ नहीं, हमारे पूछ का उपयोग नहीं था इसलिए पूछ नहीं है, बट जंगल में पूछ का भी उपयोग है। उसके जो जो गले में बाल हैं, तो कई बार क्या होता है जब कुनबे के लिए लड़ाई होता है, मतलब जो फाइट होता है ना कि राज्य के लिए, कि अब कोई मेल जब बड़ा हो जाता है तो वो अटैक करता है चीज़ें, और उस समय फाइट होता है, तो जो जीतता है उसको वो जो फीमेल होती हैं उस पर अधिकार मिलता है। तो जो गला का टाइम, कई बार गले पकड़ के लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो जो बाल हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
दूसरा ये जो सिंह है इसमें ग्रे कलर का जैसे है, मतलब घास के रंग के जैसा है, इसमें धारियां नहीं होती, तो कई बार एकदम घास में एकदम पूरा छुप जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सिंह है, और आपको जैसा कि बताया कि ये गुजरात में ही आपको देखने को मिले, गुजरात के बब्बर शेर गिर में बड़े बड़े, तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं सिंह। तो यहाँ पर हैं बहुत सारे अर्जुन के पेड़। अर्जुन एक तरह का औषधीय पेड़ है और काफ़ी बड़ी ऊंचाई पे होता है, और नॉर्मली इसके लिए क्या चाहिए होता है कि आसपास पानी चाहिए होता है अर्जुन के पेड़ उगने के लिए। तो यहाँ पे पूरा जो जंगल मैं देख पा रहा हूँ अर्जुन के पेड़ों से भरा हुआ, और देखिए कितने सारे पेड़ हैं, जूम करके देखें अर्जुन ट्रीज, और ये है अर्जुन के पेड़। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड़ों का महत्व बताया गया है, और एक पौधा लगाएं क्योंकि 50 साल में एक पेड़ हमारे इतने काम आता है। यहाँ पे एक बोर्ड है जो बहुत सुंदर से दर्शाता है, कोई भी पेड़ हो 17.50 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन। अभी कोरोना काल आया था तो आपने देखा था ऑक्सीजन कितना महंगा मिल रहा था, 81 लाख रुपये पानी की रिसाइकिलिंग, 300 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं वैश्विक जीवन भर के फैलाए गए प्रदूषण को, 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण का नियंत्रण, 3% लगभग तापमान कम करता है, 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, 18 लाख रुपए के जीवन को कटाव और खर्च पर रोक। तो इसके बारे में यहाँ पर दर्शाते हुए और जानकारी, फिर आगे और भी पूरा जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ पर फ्रॉक्स के बारे में। और यहाँ पर हमारे हैं यहाँ के एक बोर्ड दर्शाता हुआ कि लेपर्ड, चीता और जैगुआर में क्या अंतर है। तो हमारे लेपर्ड पाए जाते हैं और चीता फिर से आ गए हैं, जैगुआर भी है, जैगुआर यहाँ नहीं होते, लिव्स इन सेंट्रल साउथ अमेरिका एंड इज अपेक्स प्रेडेटर। अपेक्स प्रेडेटर का मतलब होता है कि सबसे ऊंचाई वाला जो होता है खाद्य श्रृंखला में, आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे कि शाकाहारी जानवर घास फूस खाते हैं, पर शाकाहारी जानवर को मांसाहारी खाते हैं, तो उसको सबको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर वो दर्शाते हुए, और इस तरफ मेढकों के बारे में जानकारी है, फिर सांपों के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। सो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ पर पाए जाने वाले सांपों के बारे में जानकारी दी गई है, बट सांपों के बारे में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बहुत ही रोचक जानकारी। सांप क्या है, हमारे दुश्मन नहीं है, बेसिकली वो भी दोस्त हैं, चूहे वगैरह और कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। और भारत में बहुत प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इसमें से केवल 4 प्रजातियाँ हैं जो जहरीली हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेनमस स्नेक मतलब बेसबेसेला, तो कोबरा सांप है, कॉमन क्रैथ है, रसल वाइपर है, और सॉयस्केल्ड वाइपर, छोटी दीवड़ सांप, ये 4 सांप हैं जो जहरीले हैं, नॉर्मली मिलते हैं। बाकी ऊपर के जो सांप आप देख रहे हैं ना कि ब्राह्मणी, और ये जहरीले नहीं होते हैं। तो आप लोग जो इनको अगर ठीक से आप पहचानें तो सांपों को किस सांप ने काटा है कि नहीं काटा है, तो अगर आप इसको, आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इन 4 सांपों के बारे में ज़रूर आप पढ़िए, उनके फ़ोटो देखिए, समझिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा जहरीला। फिर से आपको एक बार नाम बता देता हूँ, कोबरा या चश्मेधारी नाग, समान क्रैथ या कॉमन क्रैथ मतलब एक काला सांप, काला नाग, इसको बोलते हैं वाइपर, रसेल वाइपर और सॉयस्केल्ड वाइपर। और इसमें और भी अपने बोर्ड में दर्शाया गया है कि 4 प्रमुख विश्व वाले सांप कौन कौन से हैं, वो दिखाए गए हैं ऊपर, इधर भी वो हमेशा आए, नाग जो यहाँ पे नीचे थे वहीं वहाँ पे भी दिखाए गए। और जब कोई काट लेता है नंबर बाइट होता है तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर दिखाया गया है कि उसको आप लीजिए, उसमें अच्छे से पट्टी बांधिए, और फिर उसको सर्पदंश के उपचार क्या है, रोगी को शांत और उत्तेजना से बनाया, जिसे हमको सांप ने काटा उसे फ्रैक्चर हुए अंग की तरह थोड़ा भी हिलाए नहीं, उसे लकड़ी या स्केल की सहायता से बैंडेज बांधे ताकि वह रक्त प्रवाह धीमा हो सके, रोगी को तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाएं, संभव हो सके जिस सांप ने काटा उसे पहचानने की कोशिश करें और सर्पदंश के बाद उभरने वाले लक्षणों को चिकित्सक को बताएं। सांप काट ले तो क्या नहीं करना चाहिए, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि एंटी जो आपके जो एंटी वेनमस है या एंटी डॉट जो उसको बोलते हैं, तो वो अभी उपलब्ध होते हैं जो सांप के जहर से ही बनता है, वो उपलब्ध होते हैं जो जैसे बोलते हैं जहर जहर को काटता है, तो आपको अस्पताल ले जाना है, वो लग जाएगा जिससे आपके सुरक्षित हो जाएंगे। सोना नहीं है क्योंकि, और ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है, और सांप द्वारा काटे गए स्थान को छीलें काटे नहीं, ना ही मुँह से बस चूसने की कोशिश करें, फिल्मों में दिखाता ना चूस चूस के निकाला, ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही ट्राई नहीं करना है, अपन को नागिन नहीं बनना है, ठीक है ना, तो ये ना करें। और बर्फ़ अथवा गर्म पानी का इस्तेमाल काटे जगह पर ना करें, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, और सर्पदंश की जानकारी जानकारी रखिए और तुरंत अस्पताल भागिए। चलिए आइए बढ़ते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बाड़े से आप इस बाड़े को देखिए, तो चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची रॉड, एक जेल जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया है और ऊपर से भी बेंड किया गया है। और ये बाड़ा है तेंदुए का। तेंदुए क्या होते हैं, नॉर्मली जैसे बाघ होते हैं, बाघ नॉर्मली जमीन पर प्रेफर करते हैं, पेड़ वेड़ नहीं चढ़ते,
बट तेंदुए बहुत फुर्तीले होते हैं, छोटा बॉडी होता है और पेड़ों पे रहते हैं और बहुत लंबी छलांगें मारते हैं और ज़्यादातर घनी आबादी में भी घुस जाते हैं। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चूँकि पेड़ टू पेड़ जंप करते हैं, इसलिए इतना ऊंचा ऊंचा बाड़ लगाया गया है ताकि इसे क्रॉस ना कर सकें। और तेंदुए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। मध्य प्रदेश को एक तेंदुआ स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर करीब 3,500 के आसपास तेंदुए मात्रा में है और ये भी एकदम छुपे हुए रहते हैं। कई बार जंगल जाओगे आपको दिखेगा नहीं, कहीं पेड़ पर बैठा होगा, घास में छुपा हुआ होगा। तो तेंदुए एक टाइगर की अपेक्षा ज़्यादा हमला करते हैं और ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उसी को बचाने के लिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा बाड़ा या ऊंची ऊंची रोड वाला बाड़ा बनाया गया है, इस तेंदुए के लिए बनाया गया है। और सामने ही वो तेंदुआ घूम रहा है और इसकी बॉडी में क्या होते हैं, एक तरह के छोटे छोटे मतलब धब्बे होते हैं। इसको यहाँ पर कई लोग गाँव में चितवा भी बोलते हैं, तो चीता अलग है, एक वहाँ भी है। तो इस बाड़े के अंदर भी तेंदुआ घूम रहा है। इसको इंग्लिश में लेपर्ड बोलते हैं, कॉमन लेपर्ड। और जो चीता जो होता है, चीता लेपर्ड से अलग होता है, उसकी आँख के पास से ऐसा वो आंसू जैसा धारी काला काला निकलता है, तो उसे उसको पहचाना जा सकता है। और वो बहुत तेज़ दौड़ता है, उसके बॉडी में छोटे छोटे धब्बे होते हैं। और इसको भी तेंदुआ, इसकी बॉडी में भी स्ट्रक्चर, खाल में काफ़ी सारे टेक्सचर हैं, चीज़ें हैं। तो ये है, ये भी बिल्ली प्रजाति का जानवर है और ये भी मांसाहारी जानवर है। चलो, और अब हम आ चुके हैं स्लॉथ बियर, भालू के बाड़े में। और ये देखिए कितना सुंदर सा गुफा जैसा बनाया है जाने के लिए। तो हम इस अंदर घुस रहे हैं, वाह, चारों तरफ घास और एक अलग ही आनंद। भालू, स्लॉथ बियर क्या होते हैं, एक मांसाहारी या सर्वाहारी बोलिए, मौका परस्त बोलिए, तो कुछ भी खा लेते हैं और इनका पाचन उतना ठीक नहीं होता है। तो ये फल भी खाते हैं, अमरूद भी खाते हैं और बेर भी खाते हैं, और कई बार अगर पास आ गए हिरण मिरन तो उसको भी मार देते हैं। तो ये सर्वाहारी हैं। और हैं भालू, और वो है अपना भालू लेटा हुआ, दोनों खेलते हुए बहुत आनंद में। तो वहाँ पे हैं भालू, वो देखिए एकदम खेल रहे हैं भालू। इनके भी नाखून होते हैं ना, तो भालू जो होते हैं ना, कि अब तेंदुए से भी खतरनाक होते हैं, बाघ तो कम खतरनाक है, भालू और भी खतरनाक है। अगर इंसानों का आमना सामना हो गया मतलब भालू से, तो भागेगा नहीं भालू, भालू अटैक कर देते हैं। और भालू के जो नाखून होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो चीर फाड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ जो घटनाएँ होती हैं भालू का अटैक की ज़्यादा होती हैं, ना कि टाइगर अटैक की। तो भालू इज मोस्ट डेंजरस इन दिस वन, मतलब। और ये हैं स्लॉथ बियर एकदम लड़ाई करते हुए। तो आपको जंगल में अगर भालू का सामना हो जाए तो आपकी भागने में ही भलाई है। और दूसरा क्या है, जंगल में कभी अकेले मत जाइए। कई बार जब अचानक से आ जाते हैं जानवर आपके सामने, तभी वो हमला करते हैं। तो ग्रुप में अगर जाना भी पड़े तो ग्रुप में जाइए और शोर करते हुए जाइए, जैसे उस जानवर को पहले से पता रहे कि कोई आसपास आदमी है तो साइड हो ले। और भालू से सामना होने पर हमेशा सावधान रहिए, तेज़ आवाज़ करिए और दूर ही रहिए, मैं तो कहूँगा यही सलाह। और दो बढ़िया भालू लड़ते हुए, तो यहाँ पे भालू। अब ये जो बाड़े आप देख रहे हैं, बेसिकली हम लोग नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में काम किए, तो इसको, इन बाड़ों को बनाने के लिए एनसीएल ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट किया है। तो यहाँ क्या है, छोटे जानवर जैसे मान लीजिए ऊद बिलाव, छोटी बिल्लियाँ, स्मॉल किबिट, ये सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ अभी आ गए हैं, कुछ और आने वाले हैं, पर इन बाड़ों का उद्घाटन हो गया है और तो आने वाला है वो। तो यहाँ पे कॉमन सिबिट हम देखेंगे, पाम सिबिट, और बहुत अच्छा सा सुंदर सा जू है, व्यवस्था है, पॉइंट्स हैं, बैठने की जगह है इनका। यार तो यहाँ पर है हमारे कॉमन सिबिट, जंगली, हाँ, इनको ऊद बिलाव बोलते हैं। ऊद बिलाव नहीं, नहीं ऊद बिलाव नहीं, सिबिट है। कबड़ बिज्जू, कबड़ बिज्जू जो बेसिकली मांस हो खाते हैं, और सब कबड़ बिज्जू, महुआ चोखा, महुआ चोखा भी उनको बोलते हैं। ये वो है, और जंगलों में इनको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये सुंदर से बाड़े यहाँ पे जू एक, चलो अच्छे हैं, यहाँ पे सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। हम लोग कई बार जंगल जाते हैं, हमें अभी तक नहीं देखा, हमारे घर में एक बार आया था तो हमारे कुत्तों ने उसको दौड़ा दिया था। तो ऐसे यहाँ पे बाड़े हैं, तो बैठे।
तो उसको दूरबीन से देख रहे हैं, बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट किनारे पे एक ओटर बैठा हुआ है, इंडियन, ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जाली के बारे दिख नहीं रहा है, वो देखिए वो उठाया मुँह उसने। तो ये नॉर्मली एमपी में भी पाए जाते हैं, बट ये इनको देखना है, गंगा और चंबल नदी है, और ये बंगाल के जो गंगा जाती है नदी, वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अपने ओटर बोलते हैं, ऊद बिलाव, पहले इनका बहुत सारा शिकार हुआ, पेंट ब्रशेस वगैरह बनाने में बहुत सुंदर फर होता है पानी में, तो इनको एकदम खिलने के मूड में रहते हैं, और पानी में रहने वाले अपने ओटर। तो मछलियाँ पकड़ना इसका मस्त भोजन है, तो यह है ऊद बिलाव, और वो मस्त खेलता रहता है। और फिर इसके आगे अगर हम चलें तो अपन को देखेगा एक जंगली बिल्ली, जंगल कैट, और जंगल कैट के आगे फिर और भी हैं, मतलब गोल्डन जैकल का भी, मतलब सियार और हाइना का भी है यहाँ पे। तो इस बाड़े में है जंगली बिल्ली, जंगल कैट, वो बाहर घूमती हुई, और ये जंगल में रहती है, ये भी एकदम शिकारी। तो बोला ना बिल्ली प्रजाति के जानवर, जैसे बाघ भी आपने देखे, तेंदुआ देखा, शेर देखा, ये सब बाघ प्रजाति है। तो जंगली बिल्ली देखते हुए फिर आगे यहाँ पर आ जाता है हमारा एक हाइना, लकड़बग्घा, इसके भी ट्राइब्स होते हैं, और ये भी बहुत ख़तरनाक है, ये नियर थ्रेटन्ड स्थिति में आ गए हैं। तो ये क्या लिखा हुआ इसमें कि नोट फाउंड इन वेस्टर्न घाट, केरला, नॉर्थ ईस्ट एंड मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, इंडिया, साउथ ऑफ हिमालय, सेमी एयर, मतलब प्राय भारतीय महाद्वीप, हिमालय दक्षिण में शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलता है, परंतु घने जंगलों तटीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। तो ये है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें से ये दर्शाया गया है कि ये जो बाड़ा है NCLCSR के उससे बना है। तो एक अच्छा काम किया NCL, क्या है, एक कोयला खोदने वाली कंपनी है, और तो वो लोग इस विषय में भी काफ़ी सारा काम करते हैं, सिंगरौली में है अभी, तो वो लोग यहाँ पे भी काम किया। और यहाँ पर वो सामने ही स्ट्राइप्ड हाइना, ये हमारे भारतीय जंगलों में पाया जाता है, और ये भी क्या है, एक तरह की हड्डी तोड़ के, मतलब एक स्कैवेंजर है, मतलब जो सड़े गले मांस को खाने वाला, सफाई करने वाला, और काफ़ी ख़तरनाक होता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, लकड़बग्घा है इसको, और कुछ बोलते हैं, तो ये लकड़बग्घा हाइना, और तबाकी करके हमारा एक हाइना था वहाँ पे, ये तबाकी सुना है उनको बहुत जंगल वोक में, हाँ तो तबाकी है, हाँ हाँ है, बकरी भी खा जाता है, और काफ़ी ख़तरनाक होता है, नीचे की तरफ बॉडी थोड़ा झुका हुआ है आप देखिए, और इसके भी स्ट्राइप्ड होते हैं। तो ये हमारा लकड़बग्घा, और ये हैं, ओह बच्चे भी हैं। तो ये हमारा जैकल, काफ़ी बड़ी मात्रा में इंसानों में, आबादी में, गीदड़ बोलते हैं इसको, या गोल्डन जैकल, तो ऐसे भी बोलते हैं, कहावत सुनी होगी आपने गीदड़ों के बारे में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे गोल्डन जैकल घूम रहे हैं, ये सारे छोटे हैं, ये भी एक तरह के चूहे, छोटे जानवर, खरगोश वगैरह, इन सब का शिकार करते हैं, और कई बार रात को हम जाते हैं तो ये जाते हैं, इंसानों का अटैक नहीं करते। और इसी के छोटे जो होते हैं वो लोमड़ियाँ हैं, जिसकी जो पूँछ जो है वो, उसमें काफ़ी सारे घने बाल होते हैं, वो उसको वो क्या बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं, मतलब लोमड़ी, और उसके ऊपर होते हैं गोल्डन जैकल, गीदड़, और कुत्ता प्रजाति में फिर और आगे जाता है एक कुत्ते प्रजाति है बेसिकली, जिसमें मान लीजिए आपके, और इसके ऊपर आता है अपना भेड़िया, और भेड़िया शायद यहाँ पे अभी आया नहीं, भविष्य में आने वाला है, तो वो भी अपन देखेंगे। तो भेड़िए भी, मध्य प्रदेश को भेड़िया स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब नौरा देही वगैरह में, जो सागर के पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे भेड़िया पाए जाते हैं। तो वो देखिए, ये सारे इंसानों के पास कई बार आ जाते हैं बस्ती में, और मौका पर जो मिल जाए, चूहे वूहे मिल जाए, या कुछ खाना भी, बचा कुचा खाना भी खाते हैं, ये कुत्ता प्रजाति से आते हैं। देखिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे, तो अब हम बढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जो देखे मांसाहारी जानवर ज़्यादा देखे, और अब बढ़ रहे हैं शाकाहारी जानवरों की, बड़ों की तरफ। तो शाकाहारी जानवर में जो अपने यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, इनको हर्डी बोरस भी बोलते हैं, तो इसमें क्या है, स्पॉटेड डियर, चीतल जिसको बोलते हैं, गौर,
जंगली भैंसा और बारह सिंगा के बाड़े हैं यहाँ पे। तो गौर अभी शायद आया नहीं है, बड़ा भी चल के देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और बड़ी मात्रा में लोग अलग अलग माध्यम से जाते हुए, कुछ गोल्फ कोर्ट से जाते हुए। तो आज हमने पैदल रास्ता चुना है और बहुत ही, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हॉक डियर। हॉक डियर क्या होता है? तो इंडेंजर्ड है ये, बहुत कम बचे हुए हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बांस नदी के किनारों के मैदान, दलदल नदी क्षेत्र, गंगा, सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, पश्चिम से पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर में आसाम और अरुणाचल प्रदेश से। और तो ये है अपने हॉक डियर सुगरपारा, और ये इसका बाड़ा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें क्या दिखता है। तो इस बाड़े में बहुत सारे हमारे हॉक डियर घूम रहे हैं, दूर हैं बल्कि, लेकिन एकदम घास के जैसा होता है इसलिए उनको देख पाना थोड़ा सा दूर से देख पाना मुश्किल होता है, और कई बार घास में छुपे हुए भी रहते हैं। तो ये हमारे हॉक डियर। तो ये है हमारे सामने सांभर डियर। तो सांभर जो है बेसिकली एक पहाड़ी इलाकों या शुष्क वनों में पाए जाते हैं, और भारत के सबसे बड़े डियर की प्रजाति है सांभर। और इनका भी आकार एकदम घास के रंग के जैसा है, थोड़ा ग्रे टेक्सचर का। और चलिए मैं आपको दो बहुत एक मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। तो बेसिकली डियर और एक एंटीलोप होते हैं मृग, दो कैटेगरी हैं। और नॉर्मली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मृग किसको बोलते हैं या हिरण किसको बोलते हैं। तो वो आपको सिंपल सा क्लासिफिकेशन बताता हूँ। जो हिरण होते हैं जिसको इंग्लिश में डियर, और जो मृग जिसको इंग्लिश में एंटीलोप बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो डियर होते हैं अपने जो सींग हैं उनके हर साल उगते हैं और हर साल गिरते हैं, और इनके सींग क्या है तो, और जो अपने एंटीलोप होते हैं मृग जैसे, जैसे मान लीजिए काला हिरण जिसके सींग होते हैं, जैसे गाय भैंसों के सींग होते हैं, उनको हॉर्न बोलते हैं। अब वो परमानेंट होते हैं, अगर उनको काट दो तो खून निकलेगा, बट इनके सींग जब गिरते हैं तो ये कोई खून नहीं निकलता, कुछ नहीं होता। और कई बार श्रृंगाप बोलते हैं इनको, डियर के जो सींग होते हैं उनको श्रृंगाप बोलते हैं। चीतल, सांभर, और जिनको भी डियर बोला जाएगा, हिरण बोला जाएगा, उनके वो सींग मान लीजिए, उस बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो ये सांभर का बाड़ा है। और हमारा जो स्टेट हिरण है वो बारह सिंगा है, उसके बारे में आपको बताएंगे, स्वाम्प डियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और बिहेवियर के बारे में आपको बताता हूँ। हिरण जो होते हैं ना, तो ये करीब झुंड में रहते हैं और कहीं भी लेटरिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं। बट जो मृग होता है वो एक ही जगह जाके बीट करता है। जैसे नीलगाय जो है एक सबसे बड़ा एंटीलोप है, एक तरह का हिरण है बहुत बड़ा, वो पूरा दिन भर कहीं भी घूमे पर बीट करने के लिए एक जगह ही जाते, ताकि शिकारियों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे कि कहाँ रह रहा है, तो वो एक ही जगह आके बीट करेंगे। तो ये भी इस तरह के बिहेवियर, जब भी आप जंगल में बीट वगैरह देखें तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मृग का है कि ये हिरण का है। और हिरण कहीं भी कर देते हैं, तो ये झुंड में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना था सांभर। तो हम आ चुके हैं कि बारहसिंगा के बाड़े पर। तो बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, और ये भी एक हिरण प्रजाति का है। तो हुआ ये था कि 1970s और 80s तक आते जाते हमारे यहाँ लगभग लुप्त तो होने वाले थे, 50-60 ही बारहसिंगा बचे थे। तब हमारे वन विभाग और सरकार के प्रयासों से इस पे बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, और आज इनको सुरक्षा करते करते हमारे जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा बारहसिंगा की संख्या हो गई है। और एक आखिरी बचे हुए कुछ बारहसिंगा हैं, धीरे धीरे और उनकी आबादी बढ़ाई जा रही है। तो एकदम थ्रेटन्ड कैटेगरी के जानवर हैं, और इनको दलदली मैदानों का क्या बोलते हैं, हिरण बोलते हैं। तो इनके लिए एक जो वातावरण चाहिए उसमें पानी चाहिए होता है। तो स्वाम्प का मतलब होता है दलदली जगह पर पाया जाने वाला हिरण। तो ये यहाँ पर रहवास हैं, बारहसिंगा हैं, और ये भी अपने सींग गिराते हैं, चीज़ें करते हैं। और ये सांभर दिखने में सांभर जैसे हैं, बट सींगों में अंतर होता है और उनके रहवास में अंतर होता है। तो यहाँ पर हम बाड़े में देख पा रहे हैं कि पानी वगैरह के लिए पॉन्ड वगैरह बनाया गया है, चीज़ें जिसमें बारहसिंगा रहते हैं। धन्यवाद। तो हमारे सामने हैं स्पॉटेड डियर, चीतलों का बाड़ा, और अभी बाड़ों की सफाई हो रही है, साथ खाना वाला मिल रहा है, तो सारे चीतल उसी तरफ भाग रहे हैं। चीतल काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे जंगलों में पाए जाते हैं, और इनको चीतल इसलिए बोलते हैं, स्पॉटेड डियर जैसा उसके नाम से ही, इसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा धब्बे होते हैं। और मृग हिरण हिरण है, मृग नहीं है, और बहुत सुंदर होते हैं देखने में अगर इनको देखा जाए।
तो ये है स्पॉटेड डियर। तो अब हम आ चुके हैं टाइगर सफारी पे, वाइट टाइगर सफारी मोहन नाम से। और ये जो जगह है बेसिकली, इसमें बाड़े के अंदर खुले में टाइगर छोड़ा गया और बस में बैठ के हम लोग जाएंगे। तो बस आ चुकी है और चलिए हम लोग इसमें जाते हैं। हमने टिकट पहले से लिया हुआ था तो हमारे लिए एक सफारी व्हीकल आ गया है। अब हम लोग अंदर जाएंगे। 5:15 हो गए, 5:30 बजे तक सफारी का टाइमिंग रहता है, बट हम लोग 15 मिनट ही है तो बस हमारे लिए सफारी जाएगा। और इधर सामने ही एक सफ़ेद बाघ की स्टोरी नाम से म्यूज़ियम है। तो अभी जस्ट बंद होने का टाइम हो गया, तो पूरी स्टोरी है, तो जब आइए तो आप इसको देखिएगा, पूरा एक म्यूज़ियम है अंदर। हाँ हाँ बस बस, तो ये पूरा म्यूज़ियम है। ठीक ठीक, और हम ये चढ़ रहे हैं। ठीक है हाँ, तो बस में जा रहे हैं अंदर, हम देखेंगे मोहन की कहानी। चलिए चलिए चढ़िए पूरी टीम। चढ़ते हुए एक अलग अनुभव जो है जाते हुए। हम भी इधर बैठेंगे और हमारे पास अभी पूरा बस, केवल हम ही लोग हैं जाने वाले क्योंकि हम लोग लेट हैं, बट अब देखेंगे। गर्मी में कैसा लग रहा है तुमको? तो सफारी के लिए पहले फर्स्ट गेट खुलता है, फिर ले कहीं से ले सकते हैं वहाँ से दिख रहा है। और फिर इसके बाद वो पहला गेट बंद किया जाएगा, फिर दूसरा गेट खोला जाएगा ताकि कोई जंगली जानवर बाहर ना जा सके। और रास्ते में चलिए देखते हैं सफ़ेद बाघ को। रोड है तो हम लोग अब गेट से इंटर हो चुके हैं और जा रहे हैं बाघ की तलाश में। और अपनी आँखों को हम लोग चौकन्ना रखे हुए हैं कि शायद हमें बाघ दिख जाए। और ये दिख गया हमें सफ़ेद बाघ, वो बाड़े के पास घूमते हुए। ओ देखिए घूम रहा है। तो सफेद बाघ वो घूम रहा है बाहर उधर। हाँ तो ये सफेद बाघ हमारी तरफ आता हुआ और हमें मिल चुका है। सफारी में हम लोग बैठे थे और बाड़े के पास अभी उसके भी जाने का समय हो गया है, बंद होने का समय, तो इसलिए थोड़ा सा वो घूम रहा है। पर इतना सुंदर बाघ, आगे भी दूसरा है कि यही है? एक ही मान लो। और इनको, हमारे टीम को बाघ देखकर बहुत आनंद आ चुका है। और ये हमारे साहब, तो इन्होंने पहली बार बाघ देखे हैं। पहली बार देखे हो ना? पहली बार। कैसा लगा? ये देखो ईगल जा रहा है भाई, ईगल नहीं उल्लू है, इसको पावलेट है, इसको पावलेट। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। अच्छा ठीक, इसको पावलेट है भाई। और हमने यहाँ पर उल्लू भी देखा बट हम देख नहीं पाए ठीक से, तो जल्दी बंद होना पड़ेगा। और हमारी सफारी होती हुई और बड़ा अलग ही मजा है। और ये हमारे चालक दल चलाते हुए सफारी में जाते हुए हम लोग। अरे बस है तालाब है। तो इस रास्ते में भी कई बार बाघ घूमते हुए मिल जाता है, तो चलता है। कुछ नहीं, रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो। तो सफारी से अब हम बाहर आ चुके हैं और हमारी आज की जंगल सफारी ख़त्म ही होने वाली है और जू बंद होने का समय हो रहा है। तो हम लोग जस्ट अब वापसी की तरफ अपनी यात्रा करेंगे। तो आप बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर बताइए मुकुंदपुर के बारे में। तो जू बंद होने का समय हो गया है और जो पैदल यात्रियों को हम बस में लाद के इन लोगों को बाहर छोड़ रहे हैं हमें, और सारे लोग और भी जो जो रास्ते में मिल रहे हैं हम उनको उठा रहे हैं।
ये देखिए हमें हमें बाहर किया जा रहा है क्योंकि जू बंद हो रहा है, तो भगाया जा रहा है जंगल से। तो और भी कुछ लोग रास्ते में मिल गए यहाँ वहाँ घूमते हुए, उनको भी उठा लिया गया है। सब लोग आ जाएंगे, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग रीवा से आए हैं। रीवा से? यहीं से? पहली बार आए कि पहले भी आए हैं? कई बार आते हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? पर्यावरण ही सबसे शुद्ध है पहले तो ये, तो दूसरा बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है। जब भी कोई रिश्तेदार आता होगा यहीं ले आते हो? सही है। हाँ ठीक ठीक बढ़िया था। उनको मजा आया देख के? क्या क्या सीखा? ठीक है, आ जाओ इधर आओ, कौन बताएगा। तो हम लोग अब आ चुके हैं इस जू से बाहर, और जस्ट मेरे कैमरे की बैटरी भी जाने वाली है, तो आज के लिए आपको बस बाय बाय बोलते हैं। इस तरफ और घड़ियाल और मगरमच्छ है, तो उसके फुटेजेस मैं आपको लेके फ़ोन से डाल दूंगा, और सुबह नियर शॉप में कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो आप लोग भी इस घूमने को आइए, और आपको बहुत घड़ियाल बेसिकली मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आप लोग कहाँ से आए? रीवा से ही हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया, और देख के मज़ा आया? कई बार आ चुके हैं। कई बार? चलिए सही, आते रहिए। तो कभी जंगल में रियल में देखे हैं आप लोगों ने? तो जंगल भी है बगल में यहाँ पे, संजय टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, तो ये सब में जाके तो ये सब देख सकते हैं। और आपकी जो सोन नदी यहाँ से बहती है ना, उसमें घड़ियाल और मगरमच्छ भी देखने को मिलता है। हाँ तो वो है वहाँ पे। कहाँ से आई हो? चलो एक काइंड था, आ जाओ बताओ। सिंगरौली से आई हो? एनसीएल जानती हो? सिंगरौली में क्या करते हैं? एनसीएल में क्या आप लोग? सिंगरौली के रहने वाले हैं। तो पहली बार आए हैं? नहीं बहुत बार। बहुत बार आए हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या नाम बताया? आदित्य दुबे। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? ये हमारी स्पेशल मुंबई से आई है। आई आई आप भी बताइए, बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बहुत। अपना ये बाइक ले लीजिए। व्हाइट टाइगर देखा था इसके पहले कभी? नहीं पहली बार देखा है। और क्या क्या जानवर देखे आपने? सब देखे, भालू देखे, भालू और वो हिरन देखा, और ये टाइगर। तो और भी लोगों को अपने साथियों को बोलेंगे आने के लिए? हाँ जाएंगे और बोलेंगे ना, बहू बेटों को भी भेजेंगे ना। सही है, यहाँ मध्य प्रदेश में 30% जंगल है, 11 नेशनल पार्क हैं। ये तो आपने जू में देखे, ये जानवर आपको जंगल में भी देखने को मिलेंगे। तो आपने जैसे पास ही में यहाँ से 60 किलोमीटर संजय टाइगर रिजर्व है, सबको बोलेगी, आप लोग आइए। संजय टाइगर सीधी में? हाँ सीधी में, सुन लिया, सीधी में है संजय टाइगर। और सोन घड़ियाल मेन वालों को उधर बताएं, बता दीजिए पहली बार देखो जा रही है, यूपी भदोही से। भदोही से आई? बताइए गांव का नाम। भदोही में तो कालीन बनते हैं। हां हां, कालीन लेके आई हैं? मेरा गांव हुलासपुर है, मरजात पट्टी, इसमें बोली। हां कोई ना, ठीक ठीक। कैसा लगा आपको? क्या यहां देख के? ठीक है, मजा आया। हम एक बार और आए थे यहां। अच्छा अच्छा। हां बहुत पहले, तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए दोबारा आ जाते हैं। हां दोबारा आ गए, इनके मन रहा था मैं मजा आया। क्या कौन कौन से जानवर देखे? कौन कौन से जानवर देखे? शेर, बाघ। अच्छा, और? और भालू। भालू देखा? हाँ। और जंगल में भी देखना है? है? जंगल में भी देखना है? नहीं हमको नहीं देखना है। हम नहीं देखेंगे। आप बनारस से? चले आइए बनारस के, तो हम भी बनारस के हैं। अच्छा बनारस के हैं, कहाँ के? बीएचयू जानते हैं। तो हम आ पहुंचे हैं सोवेनियर शॉप, और यहाँ से हम करेंगे शॉपिंग। शॉपिंग और यहाँ पे बहुत सारी जैकेट, व्हाइट टाइगर। आप लोग आइएगा, करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।